ओके सो हियर वी स्टार्ट न्यू चैप्टर ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं सर। ओके तो ये एनिमल फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में कुछ फ्लूइड्स हैं जैसे कि ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, और वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, अब उनके सर्कुलेशन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं, जैसे कि कौन सर्कुलेट करवाता है, कैसे सर्कुलेट होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, सर्कुलेट होते टाइम पर क्या क्या होता है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं उन बॉडी फ्लूइड्स के जो कि सर्कुलेट करते हैं, और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, तो ये सारी चीज़ें, और कैसे हम बहुत सारी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स से डिटेक्ट कर सकते हैं कई चीज़ों को। ठीक है, तो यही क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था, तो उनका नाम क्या था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे, इन्होंने सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, ही डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम यू कैन से दैट। ठीक है, ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन से दो टाइप है, एक है ओपन और एक है क्लोज्ड। वन इज ओपन, वन इज क्लोज्ड। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो हार्ट से जब पंप होता है तो वो सीधे टिश्यूज के साथ कांटेक्ट में आता है, और वो बॉडी में जो स्पेसेस हैं कई सारे उन्हें क्या कहते हैं, साइनसेस, वहां पर पहुंचता है, और वहां पर टिश्यूज जो होते हैं वो दे टेक ब्लड बाथ, मतलब डायरेक्ट टच में आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ये टिश्यूज हैं, एग्जांपल के लिए सेल्स हैं, तो यहां पर अगर कोई ब्लड है तो पंप होकर सीधे इस पर टच हो रहा है ऐसे करके, तो ये क्या है, दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन वही अगर ब्लड जो है, अगर ब्लड वेसल्स से होता है वो पास से निकलता है इसके, और एक्सचेंज तब होता है, मतलब ब्लड डायरेक्टली टच नहीं हो रहा है टिश्यूज के साथ, सेल के साथ, लेकिन एक्सचेंज हो रहा है, मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है सेल्स ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में, बट ब्लड इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सेल्स, क्योंकि वो ब्लड जो है वो किसके अंदर बंद है, कुछ वेसल्स के अंदर बंद है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वेसल्स नहीं है, यहाँ पर ब्लड सीधे टच में आ रहा है सेल्स के या टिश्यूज के, तो मतलब हम कह सकते हैं क्या कि टिश्यूज और सेल्स कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और टेक ब्लड बाथ। ठीक है, ब्लड डायरेक्ट टच में आता है ब्लड से, सॉरी सेल्स डायरेक्ट टच में आते हैं ब्लड से। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहली बात क्या हो गई कि ब्लड इज पंप्ड, इज पंप्ड इन बॉडी स्पेसेस कॉल्ड साइनसेस। ठीक है, वेयर ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सेल्स या टिश्यूज। ओके, तो ब्लड इज पंप्ड इन बॉडी स्पेसेस कॉल्ड साइनसेस, वेयर ब्लड कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सेल्स या टिश्यूज। लेकिन यहां पर क्या है, ब्लड रिमेन इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और ब्लड डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टिश्यूज एंड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सेल्स या टिश्यूज। ओके, तो ये पहला डिफरेंस है दोनों में,
फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो ब्लड प्रेशर होगा और जो स्पीड होगी ब्लड की ट्रैवल करने की, वो दोनों ही ओपन में कम होगी और क्लोज पे ज्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ ब्लड एंड इट्स प्रेशर बोथ आर लेस। किससे कंपेयर कर रहे हो? क्लोज से। उससे कंपैरिजन में ये दोनों स्लो है और यहां पर क्या है? यहां पर ज्यादा है। बोथ आर हायर या मोर। ओके, तो ये है नेक्स्ट पॉइंट्स पे। नेक्स्ट है इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि जो किसमें मिलता है एक्चुअली में, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये मिलता है, इसके एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है जैसे कि आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है, मॉलस्क। लेकिन मॉलस्क में जो सेफेलोपॉड्स है, मॉलस्क की कैटेगरी सेफेलोपॉड्स, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलता, इसमें क्लोज मिलता है। बाकी सब में किसमें मिलता है? बाकी सब में ओपन मिलता है। तो आर्थ्रोपॉड सब में क्या मिलेगा? ओपन मिलेगा। मॉलस्क में एक्सेप्ट सेफेलोपॉड्स, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, एक्सेप्ट सेफेलोपॉड्स इसमें मिलेगा। और इसके अलावा और किसी में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि यहां पर हम एग्जांपल अगर देखते हैं तो क्या आएगा? एनिलिड्स। एनिलिड्स के अलावा सेफेलोपॉड्स, सेफेलोपॉड्स और ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है। तो इसमें क्लोज मिलेगा। तो ये क्या है? दिस इज ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, इसके बाद अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहले है ब्लड, फिर ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लिम्फ। तो इन चारों चीजों से मिलकर क्या बनता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑल दीज फोर थिंग्स फॉर्म ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ब्लड में क्या क्या चीजें होती है? ब्लड में होती है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है, 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि 45% होता है। ओके, ब्लड इज 55% while formed elements are 45%। ओके, तो प्लाज्मा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ब्लड के बारे में पहले जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड कहलाती है हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड हीमेटोलॉजी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हीमोपोइसिस। ओके, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ओके, इसको मैं थोड़ा बदल कर देता हूं। ब्लड वेसल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज हीमोपोइसिस। ओके, पीएच ऑफ ब्लड इज अराउंड 7.4। जो पीएच होती है ब्लड की, वो कितनी होती है? अराउंड 7.4।
ठीक है, कितना अमाउंट होता है ब्लड में, ब्लड हमारी बॉडी में 5 to 6 liters, 5 to 6 liter किसमें, मेन में, जबकि वुमेन में कितना होता है 4 to 5 liters। ठीक है, तो ये ब्लड के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड क्या है, हीमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी का सॉरी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का कहलाता है हीमोपोएसिस। पीएच ऑफ ब्लड इज अराउंड 7.4, 7.2 टू 7.4 कहते हैं उसको। 5 टू 6 लीटर मेन और 4 टू 5 लीटर वुमेन में होता है क्वांटिटी ऑफ ब्लड या अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट। ओके, तो ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्मड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के बारे में कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें काफी सारी चीजें होती है, जैसे मिनरल्स है, विटामिंस है, एनाटॉमी और उसमें दोनों पार्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, फॉर्मड एलिमेंट्स 45% है, इसमें क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम पता है एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वी कॉल इट एरिथ्रोसाइट्स, तो हम अभी आगे इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो लिख देंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स की है, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ऑन द बेसिस ऑफ presence of granules inside the cells known as granulocytes or agranulocytes. तो जिन WBCs में granules मिलते हैं उनमें आगे फिर further division होता है जो 3 type का होता है, eosinophils, basophils और neutrophils। जबकि agranulocytes जो होते हैं वो दो type के होते हैं, monocytes और lymphocytes। ठीक है, तो agranulocytes again of 2 types, monocytes and lymphocytes। Lymphocytes are again of 2 types, B lymphocytes और T lymphocytes, या B cells and T cells, ये further division होता है इसका। ठीक है, तो ये है एक small chart जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए इसके बारे में। Blood vessels, heart, liver, इन सबको हमें detail में पढ़ना है chapter में, तो अभी सिर्फ इस chart को note down कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं plasma के बारे में। ठीक है, what is plasma? तो plasma हमें पता है कि blood जो है वो दो चीज से मिलकर बना है, plasma और formed elements। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा एक येलोइश और स्ट्रॉ कलर्ड एक सब्सटेंस है। ठीक है, मतलब येलोइश और स्ट्रॉ कलर्ड, स्ट्रॉ का होता है भूसा, तो स्ट्रॉ कलर्ड सब्सटेंस है जो कि जिसमें कि अगर हम देखते हैं ढंग से तो दो पार्ट होते हैं, लिक्विड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है। जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा में उसमें जो है वाटर प्रेजेंट है, और वाटर कितना है, 90 to 92% वाटर होता है। तो प्लाज्मा कंटेन 90 to 92% वाटर, दैट इज लिक्विड पार्ट ऑफ प्लाज्मा। और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है सॉलिड पार्ट, मतलब कितना, 8 to 10%, 8 to 10% इज सॉलिड पार्ट। और इस सॉलिड पार्ट में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एक होते हैं ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग अलग देख लेते हैं, समझ लेते हैं जरा। तो ये इनऑर्गेनिक पार्ट है और ये ऑर्गेनिक पार्ट है। तो इनऑर्गेनिक पार्ट में हम देखें तो इसमें आयंस है, सॉल्ट्स है और गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, आयंस कौन सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयंस, पाइकोनेट आयंस। ठीक है, ये सब आयंस इसमें प्रेजेंट है। सॉल्ट NaCl सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में, या प्लाज्मा में कह लीजिए, ब्लड में कह लीजिए, सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, NaCl। तो NaCl से मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, KCl, MgCl2, NaCl2CO3, ये सब सॉल्ट्स हैं हमारे जो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगे। गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो ये गैसेस हमारे प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट जो है गैसेस का वो डिजॉल्व फॉर्म प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि O2 और CO2 सिर्फ प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कुछ है, कुछ परसेंटेज होता है इनका, इन गैसेस का जो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये बात हो गई इनऑर्गेनिक पार्ट की। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट की। तो ऑर्गेनिक पार्ट में देखिए, यहाँ पर विटामिंस, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी मैटर, एक्सक्रीटरी मैटर मतलब कि जो वेस्टेज है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी मैटर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको हम, जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी से इसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, जो कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो हॉर्मोन्स भी इसमें डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन, ऑस्मोटिक बैलेंस में काम आता है, काम आती है ये प्रोटीन एल्ब्यूमिन। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है, वाटर बैलेंस, ब्लड में या बॉडी में वाटर बैलेंस को बनाए रखना, कितना वाटर बॉडी में रिटेन होना चाहिए, कितना
यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाना चाहिए, तो वो सब कौन मेंटेन करता है? एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस को हमारी बॉडी मेंटेन करती है, मतलब वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन एक्चुअली में वाटर अट्रैक्टेंट है, जो वाटर को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या है? हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। तो ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में हेल्प करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर लिखता हूं ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो देखिए इसमें ग्लोबुलिन्स आ रहा है, वो ग्लोबुलिन्स जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करती है, मतलब एंटीबॉडीज। तो ये ग्लोबुलिन जो है वो हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म। हाउ? बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस, तब हमें समझ में आएगा कि फाइब्रिनोजन कैसे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन, मतलब प्लाज्मा में एक चीज और प्रेजेंट है, तो यहां से इसके बाद मैंने फिर यहां कंटिन्यू कर दिया है, एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन। तो ब्लड क्लॉटिंग होना हमारी बॉडी में अच्छी बात है, मतलब हमारी बॉडी के लिए अच्छी बात है। अगर कहीं इंजरी लग जाए, इंजरी हो जाए या कट लग जाए, तो ब्लड का क्लॉट हो जाना जरूरी है ताकि ब्लड लॉस ना हो। लेकिन ये ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये अंदर हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स जो होंगी वो क्लॉग हो जाएंगी या फिर वो बंद हो जाएंगे अंदर से। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, ये है अगर कोई ब्लड वेसल और इसके अंदर कोई क्लॉट बन जाता है, अगर तो क्लॉट अगर बन जाएगा तो क्या होगा? तो ये रास्ता रोक देगा ब्लड का, तो क्लॉग मतलब ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट ना बने, या क्लॉट अगर बन गया है तो उसको बस्ट करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है? एंटीकोएगुलेंट। और नाम क्या है इसका? हेपेरिन। तो हेपेरिन जो है वो एक एंटीकोएगुलेंट की तरह बिहेव करता है। एंटीकोएगुलेंट मतलब जो क्लॉट ना होने दे, किसी चीज को कोएगुलेट ना होने दे। क्या होने, क्या ना होने दे? प्रिवेंट्स, यहां पर हम लिख सकते हैं क्या? प्रिवेंट्स क्लॉटिंग और कोएगुलेशन इनसाइड द ब्लड वेसल्स। इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ओके। तो ये हेपेरिन है जो कि एंटीकोएगुलेंट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो ये अगर फैक्टर्स नहीं होंगे तो ब्लड हमारा क्लॉट नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू जो बचता है, क्या कहते हैं? वी कॉल इट सीरम। उसे हम सीरम कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आरबीसी। ओके, तो आरबीसी को, आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो एरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है? रेड कलर की सेल्स, एरिथ्रो मतलब रेड, ठीक है। तो आरबीसी फॉर्म होंगे रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसका ही दूसरा नाम है। लाइफ स्पेन क्या है आरबीसी का? आरबीसी का लाइफ स्पेन है 120 डेज, और 120 डेज लाइफ स्पेन कंप्लीट होने के बाद वो स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो रही है, इसका मतलब, इसका इसी वजह से स्प्लीन का एक नाम और होता है क्या? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, आरबीसी काउंट मेल और फीमेल में अलग अलग है। सबसे ज्यादा मिलने वाली ब्लड सेल्स हैं ये, चाहे आप कंपेयर करके देख लीजिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों में से, तो सबसे ज्यादा जो नंबर की सेल्स है, मोस्ट अबंडेंट जो ब्लड सेल्स है वो कौन सी है? आरबीसी है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है इनका काउंट? 5 to 5.5 million per mm³। ओके, वही फीमेल में 4.2 to 4.8 million per mm³ ब्लड में है क्या? ये आरबीसी का नंबर 4.2 to 4.8 million per mm³। तो ये आरबीसी का अकाउंट है फीमेल में और ये मेल में।
तो फीमेल में आरबीसी काउंट थोड़ा कम क्यों है? बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ब्लड लॉस होता है तो आरबीसी काउंट भी कम हो जाता है, ठीक है। सिंगल आरबीसी लुक्स येलोइश, अगर हम एक सिंगल आरबीसी को हम देखते हैं तो वहां थोड़ा येलोइश हमें कलर दिखाई देता है, लेकिन अगर हम बहुत सारी आरबीसी एक साथ एकोमोडेशन में देखते हैं, इकट्ठा करके देखते हैं, तो वो जो कलर है हमको वो रेड दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। ऐसा नहीं है कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर आप बहुत सारी अगर आरबीसी के साथ रखोगे तो वो रेड कलर का भी डार्क दिखाई देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्रुप ऑफ आरबीसी है वो हमको रेड कलर में दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो कितना होता है? 12 से 15 ग्राम, 12 to 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ओके। तो ये है हीमोग्लोबिन का कंटेंट। अब क्या है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मतलब विच कैरीज द रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन CO2, ठीक है। तो इसका होना ब्लड में बहुत जरूरी है। ब्लड में कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर होता है। तो आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या कंटेंट है हीमोग्लोबिन का? 12 से 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्या क्या होता है हीमोग्लोबिन, किससे मिलकर बना होता है? हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन मिलकर बना होता है दो, एक हीम और ग्लोबिन, दो पार्ट से मिलकर बना है। नाम देखिए हीमोग्लोबिन मतलब हीम और ग्लोबिन। हीम कितने हीम होते हैं? इसमें 4 हीम होते हैं। और ग्लोबिन कितने होते हैं? ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट है इसका। और हीम क्या है? हीम एक आयरन कंटेनिंग पार्ट है। तो हीम जो है वो दो चीज से मिलकर बना है, क्या? पोरफायरिन रिंग और आयरन। आयरन किस फॉर्म में होता है? फेरस फॉर्म में, ठीक है। और पोरफायरिन रिंग ये है, अगर मैं यहां पर देखूं स्ट्रक्चर को तो ये है, ये जो ब्लैक कलर का बीच में पॉइंट बना हुआ है, दीज आर व्हाट? दीज आर हीम, ये हीम है, ओके। तो 4 हीम है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हीम लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम एक हीम को देखते हैं, अगर हम थोड़ा उसको ढंग से देखते हैं, तो एक हीम में क्या क्या होता है? दो चीजें होती है, पोरफायरिन रिंग और आयरन इन द फेरस फॉर्म, ओके। तो 1 आयरन कैन कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो अगर 4 हीम है तो 4 आयरन होंगे, 4 फेरस आयन की फेरस आयन प्रेजेंट होंगी। तो मतलब क्या हुआ कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन हो सकते हैं एक हीमोग्लोबिन से, ठीक है। ग्लोबिन पार्ट जो है वो क्या है? ये जो चेन, जो दो ब्लू कलर की और दो जो ग्रीन कलर की चेन से दिखाई दे रही है, ये ग्लोबिन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट है इसका। तो प्रोटीन पार्ट का मतलब क्या हुआ कि वो अमीनो एसिड से बना हुआ। तो दो अल्फा ग्लोबिन है और दो बीटा ग्लोबिन है, ये अल्फा, ये बीटा ग्लोबिन है ब्लू कलर की, और ये अल्फा ग्लोबिन है, ठीक है। तो दो अल्फा ग्लोबिन और दो बीटा ग्लोबिन। जो अल्फा ग्लोबिन ग्लोबिन होती है वो 141 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कितने? 141 अमीनो एसिड की चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जबकि बीटा ग्लोबिन जो होती है वो 146 अमीनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। साइज क्या है आरबीसी का? 7 to 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है और 1 to 2 माइक्रोमीटर इज थिकनेस, ये सी थिकनेस है, ये दिस इज द साइज ऑफ द आरबीसी, ठीक है। शेप ऑफ आरबीसी क्या है? नॉर्मली जो शेप है वो आरबीसी की बाइकॉनकेव दिखाई देती है और स्फेरिकल भी दिखाई देती है। बाइकॉनकेव शेप कैसी होती है? इस तरीके से दिखाई देगी, ऐसी शेप रहेगी इसकी, बाइकॉनकेव कह लीजिए या डंबल शेप कह लीजिए, डंबल शेप या बाइकॉनकेव शेप रहेगी आरबीसी की, ठीक है। क्यों होती है ऐसी शेप इसकी? ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा गैसेस स्टोर हो सके, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ सके, टोटल जो एरिया है अंदर का वो बढ़ सके, ताकि इसमें ज्यादा रेस्पिरेटरी गैसेस आ सके, ओके। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं आपको यहाँ पर, कि एक आरबीसी जो है वो कितने हीमोग्लोबिन कंटेन करती है? तो 1 आरबीसी, ईच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो एक आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा शेप हो गई यहाँ पर बाइकॉनकेव और स्फेरिकल में शेप देख लिए। अच्छा आप देखते हैं कि एक एक्सेप्शन है शेप में, कि जो कैमल होता है और जो लामा है, लामा एक अमेरिकन एनिमल है जो कि ऑलमोस्ट कैमल जैसा ही है। तो कैमल और लामा में जो आरबीसी शेप होती है वो कैसी होती है? ओवल। तो वहां पर ये शेप ओवल है, ओवल, ठीक है। अगेन इसके अलावा आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ जो और सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी अगर एब्सेंट होगा, तो अगर आपसे पूछता है कि आरबीसी में रेस्पिरेशन कौन सा होता है, तो कौन सा होगा?
एनारोबिक, क्योंकि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हमको चाहिए तो हमें उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है। तो आरबीसी की जो सेल्स होंगी इसमें कैसा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी एब्सेंट होगा। ई न्यूक्लिएटेड कहलाती है, या ए न्यूक्लिएटेड कह लीजिए, या नॉन न्यूक्लिएटेड कह लीजिए, ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही है कि दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इट मीन्स दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है। क्यों है ऐसा सिस्टम, ताकि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो अंदर, और जो गैस, जो मेन काम है आरबीसी का गैस को स्टोर करना वो हो सके। अगर अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो स्पेस काफी ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होती है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होती है बोन मैरो में, ठीक है, एडल्ट में बोन मैरो में होती है, बाकी हम देखेंगे इसके बारे में अभी। लेकिन इसकी प्रोसेस को कहते क्या है, जब बनती है, जो बनने की प्रोसेस है आरबीसी की, उसे कहते हैं क्या, एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आप इसके सामने लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। पॉलीसिथेमिया, ये क्या है, एबनॉर्मल राइज ऑफ आरबीसी, इट इज एबनॉर्मल राइज ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोसाइटोपेनिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया का मतलब क्या है कि कम होना, ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज एरिथ्रोसाइटोपेनिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज एरिथ्रोसाइटोपेनिया। तो अगर डिक्रीज नंबर होगा, एरिथ्रोसाइटोपेनिया हो रहा है मतलब, तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया कैन लीड टू एनीमिया। एनीमिया का कंडीशन होती है जिसमें कि अ पर्सन विच हैज वेरी लो नंबर ऑफ आरबीसी। लेकिन तो डिफरेंस क्या हुआ एरिथ्रोसाइटोपेनिया में, उसमें एरिथ्रोसाइटोपेनिया वो प्रोसेस है जिससे कि वो कम हो रही है, ठीक है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ, तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया कहते हैं इसको, ठीक है। इट कैन लीड टू द एनीमिया, ओके। सो दिस इज नॉट ऑल अबाउट द आरबीसी बट सम पार्ट ऑफ आरबीसी। इसके बाद हम अभी देखेंगे क्या कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है आरबीसी का, ओके। हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी के बारे में, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यॉक सैक, मतलब यॉक सैक वो ऑर्गन है जो सबसे पहला, सबसे पहली जो आरबीसी है वो यॉक सैक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फीटल स्टेज में लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थायमस ग्लैंड, ये सब प्रोड्यूस करते हैं क्या आरबीसी को। यंग वंस, ठीक है, यंग वंस मतलब जब एक जब न्यू बॉर्न होते हैं तो उस समय स्प्लीन एंड बोन मैरो ये दोनों ही प्रोड्यूस कर रही होती है आरबीसी को। लेकिन एडल्ट्स में, एडल्ट स्टेज में सिर्फ रेड बोन मैरो ही प्रोड्यूस करती है आरबीसी को, ओके। तो ये हो गया क्या, कौन कौन सा ऑर्गन किस स्टेज में आरबीसी को प्रोड्यूस करेगा। और हमें पता है आरबीसी की प्रोडक्शन क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अच्छा, किडनी का क्या रोल है आरबीसी प्रोडक्शन में, किडनी जो होती है वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करती है। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को, रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। और रेड बोन मैरो में जो हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स होती हैं, कौन सी, हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, इन बोन मैरो हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स प्रोड्यूस्ड आरबीसी, और ये सेल्स प्रोड्यूस करती हैं आरबीसी, ठीक है। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन चाहिए, ये हार्मोन, इट इज रिलीज्ड बाय किडनी। तो किडनी रिलीज करता है एरिथ्रोपोइटिन, इस तरीके से किडनी के रोल है एरिथ्रोपोइसिस में, ओके। अच्छा, ईएसआर क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब है कि अगर हम किसी का ब्लड निकालते हैं और उसका ब्लड हम एक वर्टिकल ट्यूब में डालते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आरबीसी का सेटल डाउन होने का रेट क्या है। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट मतलब सेडिमेंट नीचे बैठना, सेडिमेंटेशन रेट, तो वो रेट क्या है। तो इस रेट को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि डिजीज कंडीशन में ये रेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस प्रोसीजर में, एक वर्टिकल ट्यूब लेते हैं, मान लीजिए ये वर्टिकल ट्यूब ली है, दिस वर्टिकल ट्यूब, और इस वर्टिकल ट्यूब में हम क्या करते हैं, ब्लड डालते हैं, और इसमें हम एंटीकोएगुलेंट भी ऐड करते हैं, कौन सा, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ये क्या है, एंटीकोएगुलेंट,
एंटी कोएगुलेंट है, तो हम इसको इसमें ऐड करते हैं और इसमें ब्लड को डाल देते हैं, तो बीसी की आरबीसी जो है वो किस रेट से सेटल हो रही है, ऐसे नीचे एक पाइलअप बन जाता है आरबीसी का, ठीक है, किस रेट से सेटल हो रही है। तो नॉर्मली जो रेट होता है, नॉर्मल जो रेट है ईएसआर क्या है, 0 to 5 mm थिक, जो कितना थिक पाइलअप बन गया है वो, ठीक है, mm मेल में है, ठीक है, लेकिन फीमेल में कितना है, 0 to 7 mm कितना है, कब है ये, फर्स्ट आवर में, मतलब हमने इसे ब्लड डाला तो एक घंटे बाद इतना पाइलअप बन जाएगा मेल में और इतना बन जाएगा फीमेल में, ठीक है। तो ये सेडिमेंटेशन रेट है कि कितनी आरबीसी सेटल डाउन हुई है एक घंटे में, ईएसआर कहते हैं इसको। तो ईएसआर या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो हम देखते हैं कब, डिजीज कंडीशन देखने के लिए, पता करने के लिए, अगर इसमें चेंज कोई आया है इट मींस कंडीशन इज डिजीज्ड, ठीक है। तो ये है ईएसआर, तो इट्स ऑल अबाउट आरबीसीज। इसके बाद हम डब्ल्यूबीसी